मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में बीजेपी ही सर्वश्रेष्ठ दल है जो सुशासन, सुरक्षा और विकास के मूल मंत्रों को लेकर काम करती है। सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश में अब की बार 200 पार का संकल्प पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। वहीं मिश्रा ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की तो वहीं अटल जी की अस्थियों की दधीचि की हड्डियों से तुलना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही लाशों पर राजनीति की है और अब भी वही कर रही है। सफलता की 100% गारंटी है जिस पार्टी में पेज प्रभारी तक पार्टी पहुंच जाए वहां असफलता का क्या सवाल है। असफलता तो वो लोग सोचें जो अभी जिलों तक ही नहीं पहुंचे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जैसा मैंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संगठन है हमारा यहाँ पर, इसलिए कोई असफलता के बारे में विचार नहीं, सफलता निश्चित है। देखिए वो उनको उनकी बुद्धि के ऊपर मुझे तरस आता है। एक राष्ट्रवादी संगठन को कभी ब्रदरहुड कहते हैं, कभी कुछ तो भी बोलते हैं, पर उन्हें जिसने भी सिखाया है वो ये सिखा दिया है कि आप इसके ऊपर बोलते रहिए। वो लगातार पिछले कई वर्षों से बोल रहे हैं और जो जो बोले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी, उनका हसरा आपने देखा है। उसके बाद किसानों के लिए जो माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये नहीं कि दधीच की हड्डियों से उस समय के राक्षस घबरा गए थे। इधर एक अटल जी हैं जिनकी अस्थियों से ये विपक्ष के लोग घबरा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया और श्रद्धा के केंद्र हैं और उन्हें लगता है कि उससे अगर राजनीतिक लाभ है तो वो निकाले ना, कौन रोक रहा है उनको, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं।